आदर्श नगर के सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल में हो रही डिजिटल रामलीला में आज मुख्य अतिथि के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री नरेश धीमान जी एवं डा कल्पना सैनी अध्यक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तराखंड देहरादून उपस्थित रहे। इस मौके पर डा कल्पना सैनी एवं श्री नरेश धीमान जी ने सभी धर्म प्रेमियों को दी शुभकामनाएं। समर्थ भारत से मुनीश शर्मा अनूप सैनी की रिपोर्ट। देवभूमि आदर्श सोसाइटी रूड़की के द्वारा जो ये डिजिटल रामायण का मंचन होने वाला है, इसके लिए मैं इस समिति के सभी पदाधिकारियों को, अपने पार्षद सचिन कश्यप जी को और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजन, मातृशक्ति और सभी सुधीजन जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबको इस कार्यक्रम के सुंदर कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। नमस्कार मित्रों, समर्थ भारत न्यूज से मैं मुनीश शर्मा। अभी हम खड़े हैं सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल में, जहां पर आपको पता है कि चतुर्थ डिजिटल रामलीला का आयोजन चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। अभी हमारे साथ जो है श्री नरेश धीमान जी हैं, जो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड में। आइए, आज वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आए थे, जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से वे देखते हैं कि ये जो डिजिटल रामलीला हो रही है, ये कितना प्रोत्साहित कर रही है लोगों को, और क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सर, सर क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से डिजिटल रामलीला चल रही है देवभूमि आदर्श सोसाइटी के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का एक ही वचन था, सदा चली जाए, पुराना जाए, परमचंद न जाए। हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, उनके भाई हैं, किससे शिक्षा लेनी चाहिए, और जो हमारी मां शक्ति है, क्योंकि त्रेता युग था और आज कलयुग है, इतना युग बीच गया। आज हमें बच्चों को अपने संस्कार बनाना होगा, जैसे गाँव पूछते हमें बच्चों में ऐसा अपना आदर्श उत्पन्न करना होगा। धन्यवाद।